सभा और राज्यसभा में विधायी कार्यों को करने वाले लोगों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। संसद के दोनों सदन सदस्यों की संख्या, चुनाव के तरीके, किए गए कार्यों और कार्यकाल जैसे विभिन्न पहलुओं में भिन्न भिन्न होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में अंतर जानने हेतु यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। लोकसभा निचला सदन को लोगों का सदन कहा जाता है, जबकि राज्यसभा उच्च सदन को राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। 1954 यानी 1954 में भारतीय संसद द्वारा लोकसभा और राज्यसभा नामों को अपनाया गया था। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 79/122 आर्टिकल भारतीय संसद से संबंधित है। आइए हम जानते हैं कि लोकसभा होता क्या है। भारत की संसद में लोकसभा में जनता का प्रतिनिधित्व होता है, इसलिए इसे लोगों का सदन भी कहा जाता है। लोकसभा चुनाव के बाद प्रत्येक राजनीतिक दल के सांसदों की सूची तैयार की जाती है। सरकार बनाने के लिए एक राजनीतिक दल के पास निर्वाचित सांसदों का होना बहुमत होता है। लोकसभा में 543 निर्वाचित सदस्यों में से एक दल के पास बहुमत के लिए कम से कम आधी संख्या यानी 272 सदस्य या अधिक सदस्य होनी चाहिए। राज्यसभा में क्या होता है हम आपको बताते हैं। संसद में भारत के राज्यों के प्रतिनिधि राज्यसभा का निर्माण करते हैं। सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। लोकसभाओं द्वारा शुरू किए गए कानूनों की समीक्षा करने और बदलने, यदि परिवर्तन की आवश्यकता है, में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। कुछ विधान राज्यसभा में शुरू किए जा सकते हैं और कानून बनने के लिए राज्यसभा से पारित होने के लिए एक विधेयक की आवश्यकता होती है। वर्तमान में राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए। संसदीय प्रणाली में निचले सदन को हमेशा प्राथमिकता भी दी जाती है, क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव सीधे भारत की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। दूसरी ओर राज्यसभा के सदस्यों को सीधे जनता द्वारा न चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इसके अलावा राज्यसभा की एक अस्थायी निकाय भी होती है, जबकि लोकसभा 5 साल के कार्यकाल के लिए चुनी जाती है। इसकी अवधि बढ़ाई भी जा सकती है और कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे भंग भी किया जा सकता है। जब नियमित विधेयकों की बात आती है तो दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। यदि दोनों सदनों के मध्य किसी कानून अधिनियम या विधेयक को लेकर विवाद की स्थिति है तो इस संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 108 आर्टिकल के तहत एक संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान भी किया गया है। इस संयुक्त बैठक में लोकसभा का ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि इसकी सदस्यता राज्यसभा से अधिक होती है। लोकसभा मंत्री परिषद को नियंत्रित करने में अधिक सफल होता है। राज्यसभा नीतियों और कार्यक्रमों पर बहस करके प्रशासन की आलोचना करके कुछ शक्ति का प्रयोग कर सकती है। हालांकि केवल लोकसभा के पास अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की शक्ति होती है, जो पारित होने पर मंत्री परिषद को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जब संवैधानिक संशोधनों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग या हटाने की बात आती है तो लोकसभा और राज्यसभा के पास अनिवार्य रूप से तुलनीय शक्तियां होती है। जबकि वित्तीय मामलों में लोकसभा का महत्व ज्यादा होता है, क्योंकि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में इसे नहीं लाया जा सकता है। वहीं केवल राज्यसभा के पास एक नई अखिल भारतीय सेवा बनाने या राष्ट्रीय चिंता के विषय में राज्य सूची घोषित करने का अधिकार है, लोकसभा के पास यह अधिकार नहीं है। सदस्यता की न्यूनतम आयु के संदर्भ में लोकसभा और राज्यसभा के बीच क्या अंतर है, आइए हम आपको बताते हैं। लोकसभा के मामलों में सदस्यता की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, जबकि राज्यसभा के मामले में सदस्यता की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास हो सकता है कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच उस विशेष सदन के प्रतिनिधि के संदर्भ में क्या अंतर है। तो आंसर इसका आप ये सुन सकते हैं कि लोकसभा के मामले में लोकसभा का अध्यक्ष इसका प्रतिनिधित्व होता है, जबकि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रतिनिधि होता है। अगला जो क्वेश्चन हो सकता है आपके पास, लोकसभा और राज्यसभा के बीच कुल संख्या और वर्तमान संख्या के संदर्भ में क्या अंतर है। लोकसभा की कुल संख्या और वर्तमान संख्या क्रमशः 552 और 545 है, जबकि राज्यसभा की कुल संख्या और वर्तमान संख्या क्रमशः 250 और 245 है। चुनाव के तरीके के मामले में लोकसभा और राज्यसभा के बीच क्या अंतर है, ये आपके पास अगला क्वेश्चन हो सकता है। तो लोकसभा के मामलों में चुनाव का तरीका फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है,
जबकि राज्यसभा के मामले में चुनाव का तरीका अनुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित होता है। अगला जो क्वेश्चन हो सकता है आपके पास, धन विधेयक के परिचय और संशोधन के मामले में लोकसभा और राज्यसभा के बीच क्या अंतर है? तो इसका आंसर हो सकता है, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश और संशोधित किए जा सकते हैं, जबकि राज्यसभा के पास धन विधेयक को पेश करने या संशोधित करने की शक्ति नहीं होती है। तो आई होप कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच डिफरेंस जो हमने आपको बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा।